डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी प्रोग्रामिंग। तो जब भी हम सी में ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो उनकी एसोसिएटिविटी और उनकी प्रेसिडेंस जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब ये जो रूल्स बनाए हैं कि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है या लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, इसकी जरूरत क्यों है। तो देखो, एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। लेट्स से मैंने एक्स जो है, एक्स कोई भी इक्वेशन हमने ले ली, मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि इंट एक्स मैंने डिफाइन किया और एक्स में मैंने डाल दिया लेट्स से 10 divided by 10 plus 20, मतलब मैंने ये सिंपल सा एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखा 10 divided by 10 plus 20। अब इसको इवेल्युएट करने के दो तरीके हैं। अब यहां पे सबसे पहले ऑपरेटर देखो, एक डिवीजन है और एक प्लस है। अब डिवीजन और प्लस ऑपरेटर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक आप ये कह सकते हो कि सर हम 10 by 10 को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसमें प्लस 20 कर सकते हैं, या कोई कह सकता है कि सर हम पहले 10 plus 20 कर देते हैं और फिर डिवाइड वाले को कर लेते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो लेट्स सी, अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 plus 20 आ जाएगा, तो यानी मेरा टोटल आंसर क्या आ गया, 21। और अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो 10 divided by 30 हो जाएगा, मतलब 0.3 मेरा आंसर आएगा। तो देखो, आंसर दोनों अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बिना रूल्स के चलेंगे ना तो ऐसे ही करेगा, कोई अपना आंसर बताएगा, कोई अपने तरीके से बताएगा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है वो यहां पे इनकंसिस्टेंसी आती है। तो इसीलिए इन्होंने प्रेसिडेंस जो है वो डिफाइन की है। तो प्रेसिडेंस क्या कहता है कि जो डिवीजन है उसकी प्रेसिडेंस जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लस। तो इसीलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे और फिर उसमें प्लस करेंगे। तो यानी आपका आंसर जो है वो 21 जो है वो क्या है, वैलिड है। ऐसे ही अगर आपको इसी तरीके से, मतलब एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर आपको दे दे कि 10 divided by 10 और मल्टीप्लाई में 20, मतलब अब यहां पे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दो ऑपरेटर हमने यूज किए हैं और सी प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि जो डिवीजन और मल्टी वाला है, मल्टीप्लीकेशन है, इनकी जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, बराबर है, मतलब इनकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, बराबर है। हाँ ठीक है, प्लस से तो ज्यादा थी तो हमने पहले डिवीजन को कर लिया फिर प्लस को, लेकिन इन दोनों की आपस में क्या है, इन दोनों की आपस में प्रेसिडेंस बराबर है। तो लेट्स से अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं पहले 10 divided by 10 को पहले सॉल्व कर लूं और मल्टीप्लाई बाय 20 कर लूं, या फिर मैं 10 divided by 10 into 20 को पहले सॉल्व कर लूं और फिर डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 into 20, मतलब आपका 20 आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो 10 divided by ये 200 हो जाएगा और इसको आप कह सकते हो 0.05। अगेन आंसर क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनमें से वैलिड कौन सा है, वैलिड है आपका 20 वाला। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जब भी प्रेसिडेंस आपकी बराबर हो तो हम एसोसिएटिविटी यूज करते हैं और एसोसिएटिविटी कहती है या तो लेफ्ट टू राइट करो, मतलब पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर फिर राइट वाला, या राइट वाला और फिर लेफ्ट वाला। तो जैसे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो इनकी प्रायोरिटी, इनकी प्रेसिडेंस बराबर है, तो एसोसिएटिविटी फिर कहती है कि लेफ्ट टू राइट इसको करो। तो पहले लेफ्ट में क्या था, डिवीजन था, राइट में मल्टीप्लीकेशन था, तो आपने इसे किया तो मेरा आंसर जो है वो 20 वैलिड है। तो ये एक छोटा सा रीजन है कि हम क्यों प्रेसिडेंस और यहां पे एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे ये वाला पूरा का पूरा एक टेबल। इस टेबल को जरूर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा भी, क्योंकि ये सारों के एग्जांपल एक ही वीडियो में करवाना बहुत ही बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो इसीलिए मैं आपको छोटा सा पहले एग्जांपल बताया कि क्यों जरूरी है, अब इस टेबल के बारे में बता रहा हूं और फिर आप फर्दर वीडियोज में और एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं ये वाले पेरेंथिसिस वाले ऑपरेटर। पेरेंथिसिस में वही आ गया, आपका ओपन आ गया, ये आ गया, एरो वाला आ गया, डॉट आ गया, जो हम स्ट्रक्चर वगैरह में यूज करते हैं मेंबर वाले में। देन हमारे पास आ जाते हैं ये यूनरी, यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये सारे आपके यूनरी ऑपरेटर आ जाते हैं जो एक ही ऑपरेटर के साथ यूज किए जाते हैं। देन हमारे पास आ गए मल्टीप्लिकेटिव वाले, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, मॉडुलस आ गया, ये सारे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर हैं। फिर हमारे पास आ गए एडिशन वाले, प्लस और माइनस मेरे पास क्या है, एडिशन वाले ऑपरेटर हैं। देन हमारे पास आ गया शिफ्ट,
शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, इनमें से काफी ऑपरेटर मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, जो रह जाएंगे ऑपरेटर वो मैं अलग से भी आपको वीडियोस की दे दूंगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि इसको याद आप कैसे रख सकते हो। देन हमारे पास आ गया, अभी ये टेबल खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, इसी वजह से ये वीडियो ना मैं इस पे बना रहा हूं, मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ये टेबल ही बहुत बड़ा है अपने आप में, तो वहां पे ये पूरा ही नहीं आ रहा था। देन हमारे पास आ गया यहां पे लेस देन इक्वल टू, ये सारा आ गया। तो इसको हम बोलते हैं रिलेशनल, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये रिलेशनल आ गया, उसके बाद ये आ गया इक्वल टू वाले, इक्वल टू नॉट इक्वल टू। देन हमारे पास आ गया जी बिटवाइज, ये तीन आ गए हमारे पास, बिटवाइज एंड एक्सोर एंड और। फिर हमारे पास आ गया जी लॉजिकल, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। उसके बाद हमारे पास आ गया कंडीशनल, कंडीशनल जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आ गया जी असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। और फाइनली हमारे पास आ जाता है जी कॉमा ऑपरेटर, तो कॉमा ऑपरेटर को हमने सी से मेंशन कर दिया, ठीक है। ये सारे जो है शॉर्ट फॉर्म मैंने इसीलिए लिखे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे, ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो मैं आपको इस तरीके से छोटा करके दिखा देता हूं। तो ये मेरे पास जो है इसमें सबसे पहले आपके पास, इसको आप इस तरीके से लिख लो, सबसे पहले आपके पास क्या था, पैरेंथेसिस था, फिर आपके पास यूनरी था, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव थे प्लस डिवीजन और मॉडुलस, फिर आपके पास था अर्थमेटिक, मतलब आप एडिशन वाला बोल सकते हो, अर्थमेटिक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर आपके पास आ गया शिफ्ट, फिर आपके पास आ गया शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। तो देखो ये आपके पास यहां पे प्यूमास, ये क्या बन गया, प्यूमास बन गया। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि प्यूमा क्या है, शू का ब्रांड है, तो आप इसको ऐसे प्यूमास जो है नाम से याद रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या था, आर, दैट इज व्हाट, रिलेशनल। फिर हमारे पास आ गया ई, E क्या था, इक्वल वाले। फिर हमारे पास था B, दैट इज अ बिट वाइज, तो आप इसको जो है R E B को रिबॉक, रिबॉक भी आपको पता है शू का ब्रांड है, तो पहला प्यूमा शू का ब्रांड हो गया, फिर रिबॉक शू का ब्रांड हो गया, तो आप इसको इस तरीके से पूरा सीक्वेंस में याद रख सकते हो। B तक हो गया, B के बाद हमारे पास क्या था, L, L जो है इससे आप याद रख सकते हो लिबर्टी, L से क्या है, लिबर्टी, तो आप लिबर्टी के शू है, तो ऑब्वियसली ये भी आप याद रख सकते हो। और फाइनली आपके पास तीन और है, टी ए सी, ये वाले लास्ट में, टर्नरी असाइनमेंट एंड कॉमा। तो टेक, दैट इज व्हाट, टेक्टिकल शूज, टेक्टिकल शूज भी एक ब्रांड है, मे बी आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्बैट शूज बनाते हैं वो, बड़े बड़े से शूज होते हैं। तो अब आपको याद रखने का कुछ, तो आपको इस तरीके से याद रखना ही पड़ेगा, बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल भी जाएंगे इसके तरीके, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है याद रखना है। तो सबसे पहले प्यूमास, प्यूमास के बाद रिबॉक, लिबर्टी और टेक्टिकल शूज, तो ये आपके पास एक पूरा सीक्वेंस बन जाता है कि कैसे प्रेसिडेंस जो है, तो प्रेसिडेंस जो है जो पी वाला है, दैट इज अ पेरेंथेसिस, इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, दैट इज 14, और जो कॉमा ऑपरेटर है लास्ट में, इसकी प्रेसिडेंस सबसे कम है, दैट इज 0। तो जितना बड़ा नंबर है उतनी प्रेसिडेंस उसकी ज्यादा है। और फाइनली आपके पास एक और चीज पूछ सकते हैं यहां पे, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी अगर आप ध्यान से देखो कि सिर्फ तीन आपके पास ऐसे हैं, एक तो यूनरी है, एक आपके पास यहां पे आपको नीचे दिख रहा है असाइनमेंट, और एक है आपके पास टर्नरी। तो टर्नरी, असाइनमेंट एंड यूनरी, ये तीनों क्या है, राइट है, मतलब राइट टू लेफ्ट है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि ताऊ, ताऊ इज ऑलवेज राइट, और ताऊ का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो ताऊ इज व्हाट, जो आपके फादर का बड़ा भाई, ठीक है ना। तो उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ताऊ इज ऑलवेज राउट राइट, तो ताऊ इज व्हाट, ऑलवेज राइट। तो ये सारे टर्नरी, असाइनमेंट एंड यूनरी, ये तीनों क्या है, आपके राइट टू लेफ्ट वाले हैं, और बाकी के याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी के ऑटोमेटिकली क्या बन गए, लेफ्ट टू राइट। तो ये शॉर्टकट हो गया ताकि आपको याद रहे, जैसे आप पीरियोडिक टेबल भी ऐसे ही याद रख सकते थे ना, पहले पीरियोडिक टेबल भी ऐसे ही याद रखते थे 11th 12th में, तो वही चीज यहां पे है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।